तीन बार बोला था वेट ऑन प्लेटफॉर्म वन ना, मुझे यहाँ पे घाव हो गया है। वो है। आज का वीडियो होने वाला है रिसेप्शन व्लॉग, साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पल्लवी दी का रिसेप्शन मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया। मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, मैंने कभी रियल ब्राइड के ऊपर मेकअप लुक किया नहीं है। सो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस मेकअप लुक इंक्लूडिंग बिहाइंड द सीन्स। वो मेहंदी वाला मेहंदी दिखाओ। This is the morning time. It's 4:30 in the morning. I'm trying to show you the time. मैं रात भर सोई नहीं हूँ। जब भी सुबह मुझे ट्रेन या प्लेन पकड़ना रहता है, मुझे नींद नहीं आती। ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नींद नहीं आती। एंड आई हैव अ ट्रेन टू कैच। मैं जा रही हूँ नरसिंहपुर टू अटेंड सिद्धार्थ एंड पल्लवी दीज वेडिंग, नॉट वेडिंग, रिसेप्शन। वेडिंग तो हो गया, दिल्ली में थी वेडिंग। एंड आई एम डूइंग पल्लवी दीज रिसेप्शन मेकअप। उसको लेके भी थोड़ी सी मैं स्ट्रेस्ड और एक्साइटेड थी। एनीवे लेट्स गो, वी नीड टू कैच द ट्रेन। इट्स 5:10 की ट्रेन और वो यहीं से बनती है। निकल ना जाए भैया, छूट ना जाए, फिर तो हम जा ही नहीं पाएंगे। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइस, मुझे परीक्षित पिक कर लिया है। लेट हो गया वो, मैं प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 के बीच में वो मुझे मिला, सही और गलत के बीच में। मैंने क्या तीन बार बोला था वेट ऑन प्लेटफॉर्म 1 पर नहीं, बैग उठाए चल चढ़ गए। क्योंकि हम लास्ट टाइम प्लेटफॉर्म 2 पे थे, ठीक है? तो आई रिमेम्बर द रूट। आई वाज लाइक, तो मैंने तीन बार बोला था कि 1 पे तो वेट करना, क्योंकि मैं इसी तरफ से आ रहा हूँ। तो मैं नींद में थी, बस मैं बहुत ज्यादा नींद में थी। फूफू आ रही मुझे, फूफू। हेलो शादीशुदा लड़की। देखो मैंने वापस से टचअप कराया। हाँ, पता चला मुझे ये टचअप हो रहा है रात में। मैंने अच्छे से वो नहीं हुई, दीदी निकल गई। बहुत काम किया आपने एकदम पहुंच के। बहुत काम नहीं, अरे वो मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं था ना मेहंदी को रखने का, तो पूरी निकल गई थी। और फिर मैंने फिर रगड़ रगड़ के जितनी बची थी निकाल ली। ये रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो, शादी के बाद ये आप अपीयरेंस दे रहे हो। अच्छा, कैसी रही आपकी, कितने दिनों की शादी को? 3 दिन। 3? हाँ, 3 दिन की शादी कैसी रही आपकी? हाँ, बहुत बढ़िया थी। खुद भूल गई कि 3 दिन बोल रही। 18, 19, 20, 21, 22, 5वां दिन। शुरू हो गया, शुरू गजनी बन गई है वो। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तभी आदत में मेहंदी भी दोबारा। गणित गड़बड़ा गया उसके साथ। दिस जोक हैज लेयर्स। पहले कौन सा अच्छा था गणित? गाइस, मैं तो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, तब से वेट कर रही हूँ कि कब हम लोग होटल जाएंगे। यहाँ से हम लोग होटल जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग रेडी होंगे। दीदी को मैं रेडी कर रही हूँ आज, एंड देन फिर जो फंक्शन है रिसेप्शन वो कहीं और है। तो आप लोग सोचोगे अरे अलग से क्यों रिसेप्शन हो रहा था। दीदी नरसिंहपुर से बिलोंग करती है ना, और सिद्धार्थ दिल्ली से, तो दिल्ली वाला रिसेप्शन हो गया, अब नरसिंहपुर वाला रिसेप्शन हो रहा है। हेलो, ये देखो हमने कुली बुलाया है। कुछ भी, इट्स नॉट अ कुली कलर, जेनेरिक मत करो। ये इन लोग का ना जो ह्यूमर कोशेंट होता है, शट अप। इनके सब्सक्राइबर्स का बहुत अच्छा है। सामान जल्दी जल्दी, क्विक क्विक कुलीज। वो है वी रीच द वेन्यू। देखो शाम के रिसेप्शन की तैयारी हो रही है वहां पे। And I found puppies. Puppies. वो शैतान कितना है वो काला वाला। दीदी puppies मिल गए दीदी। Good morning. Hello. I am the bride. Meet the bride. Puppies. Puppies meet the bride. Hello. हम है सावित्री सिग्नेचर में, और ये मेरा रूम स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड है ताकि मुझे यहाँ से सब कुछ दिखता रहे। क्योंकि वहाँ पे हो रहे हैं डेकोर शाम के फंक्शन का। तो अब दीदी ने दो नुक्स भी निकाल दिए उसके। ये ऐसा बर्ड्स आई व्यू से, ये तो नहीं मैंने डिसाइड किया। रूम टूर बेड, मिरर, वॉशरूम। यार अब उनके ऊपर है ना, क्या करें। दीदी आ गई है सबको फोड़ में कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। सिद्धार्थ बस मेंटल सपोर्ट के लिए पीछे खड़े हो। अच्छा तो लग रहा है मुझे, पता है मेले क्या मैटर करता है कि फोटोज में कैसा है। स्टेज तो काफी बड़ा है, जहाँ से वो मुड़ रही है ना, वहीं से पूरी सीधी करी। और ये जो टांगे हैं
ऊपर ऊपर जो टांगे हैं सीलिंग पे, ये ऊपर टांगे आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? मैंने तो फिर कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल सेट। हम लोग रूम पे आ चुके हैं, दिस इज दीदी का लहंगा, ये हम लोगों ने मंजीत कलेक्शन से लिया है। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मेकअप करना है, एंड दी सेइंग ये वाला लहंगा इतना हैवी नहीं है एज कम्पेयर टू उनके अदर लहंगास, पर यार ये तो मुझे फिर भी हैवी लग रहा है, कमर की तो लग गई। आशा दीदी सिर्फ आपको स्माइल करने के, दो तीन फेक स्माइल डिसाइड कर लो, पर आपकी मतलब फोटोज में फेक स्माइल नहीं लगती क्योंकि मैं नेचुरली हंसती हूँ। हाँ, आपकी एक भी फोटो में ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे आता ही नहीं। हाँ। मेरी फेक स्माइल इज ओनली पासपोर्ट फोटो। हाँ, जैसे मेकअप आर्टिस्ट लोग पूरा मेकअप बिछा देते हैं अपना, वैसे अब मैंने भी अपना मेकअप बिछा दिया। दिस इज पल्लवी दीस मेकअप, हम उनका फाउंडेशन कंसीलर यूज करेंगे। And this is the setup. यहाँ पे फिल्म होगा natural light में। So I started off with MAC Fix Plus as a base. इससे मेकअप अच्छे से सेटल होगा, बैठेगा स्किन पे, और उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक मेकअप ब्रश की मदद से। इवन तो मैंने पल्लवी दी का मेकअप ऑलरेडी किया है, आई डिड हर हल्दी मेकअप लुक, बट आई स्टिल वॉज वेरी वेरी नर्वस फॉर दिस लुक, बट आई एम ग्लैड एंड हैप्पी शी ट्रस्टेड मी विद दिस लुक। सो मैं अब कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ। पल्लवी दी को अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं और लिप्स के आस पास मैंने कलर करेक्टर यूज किया है हल्का सा, और जहाँ पे उनको एक्ने मार्क्स है वहां वहां पे मैंने कलर करेक्टर यूज किया, एंड आई ब्लेंडेड दैट विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स फर्स्ट, उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने कलर करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड किया, उसे सेटल होने दिया स्किन में करीबन 5 मिनट तक। फिर मैं यूज करूंगी कंसीलर। ये जो कंसीलर मैं यूज करूँ ये पल्लवी का खुद का कंसीलर है, दिस इज बाय मेबेलिन। तो मैंने पहले अंडर आई पे अप्लाई किया, एंड देन आई अप्लाइड दैट जहां जहां पे उनको एक्ने मार्क्स थे उसके ऊपर। उसके बाद मैंने एक दूसरा कंसीलर यूज किया, दिस इज अगेन बाय मेबेलिन, दिस इज द शेड हनी, एंड मैंने उसी कंसीलर के आसपास थोड़ा सा ही कंसीलर अप्लाई किया। दोनों कंसीलर को मिक्स कर दो ना तो उनका एकदम परफेक्ट शेड बन जाता है, एंड देन आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग द कंसीलर विद द हेल्प ऑफ माय कंसीलर ब्रश। मैं अपने सारे ब्रशेस अच्छे से धो के लेके गई थी, एकदम फ्रेश ब्रश यूज कर रही हूँ मैं उनके फेस पे। कंसीलर यूज करने के बाद मैंने यूज किया फाउंडेशन, दिस इज मैक स्टूडियो फ्लूइड फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ना ये लाइट वेट है, कवरेज अच्छा देता है, एंड दिस इज लॉन्ग लास्टिंग एज वेल ऑन द फेस। और ये जो शेड है ये पल्लवी दी का ही शेड है, तो पहले फाउंडेशन डॉट आउट करके अप्लाई किया फेस पे। उसके बाद डैम ब्यूटी स्पॉन्ज की मदद से मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। मैं स्पॉन्ज उनके फेस पे इसलिए भी यूज कर रही थी बिकॉज वो चाहती थी कि उनका बेस ना लाइट हो, हैवी ना लगे उनके फेस पे, और ब्यूटी ब्लेंडर से स्पॉन्ज से वैसा इफेक्ट मिल जाता है क्योंकि प्रोडक्ट सोक करता है ब्यूटी ब्लेंडर। बेस बहुत ही अच्छा हुआ था, बिल्कुल भी केकी नहीं था, और पल्लवी दी ने ना स्किन पे भी बहुत अच्छे से किया था, इसकी वजह से बेस अच्छे से बैठा उनके फेस पे। ब्रश की मदद से एक और बार आईलिड पे कंसीलर को अच्छे से स्प्रेड किया, सेट किया, एंड देन आई यूज ट्रांसलूसेंट पाउडर टू सेट द कंसीलर फर्दर मोर। उसके बाद मैं आई मेकअप लुक शुरू कर सकती हूँ। नाउ कम्स द स्टार ऑफ दिस मेकअप लुक, दैट इज द आई मेकअप। उसके लिए मैं यूज करूंगी मर्क्यूरी रेट्रोगेट पैलेट बाय हुडा ब्यूटी। उसमें मैंने पिक किया ये मैट बेबी पिंक कलर, एंड आई विल बी अप्लाइंग दिस एज अ ट्रांजिशन शेड। आई एम टेकिंग माय टाइम टू बिल्ड द ट्रांजिशन शेड यहाँ पे। सो एक डीप पर्पल और एक लाइट पर्पल कलर का आई शेडो मैंने एक डेंसली पैक्ड ब्लेंडिंग ब्रश में पिक किया, एंड आई प्लेस that on the outer half of the eyelid. I'm taking my sweet little time to build this color. Uske baad when I'm happy with the color application, I'll start blending the crease line taki koi harsh line na dikhe. Uske liye maine ek dusra blending brush use kiya. Wahi blending brush jiski madad se maine crease color apply kiya tha. And then I picked this shimmery color called Galaxy and I applied that on the rest of the eyelid. Maine ise flat eyeshadow brush ki madad se pick kiya hai. Agar aap chahte ho intensity aur acche se dikhe to aap settings pe bhi us pe use kar sakte ho. उसके बाद शिमर कलर और मैट कलर के बीच में कोई हार्श लाइन नहीं दिखे इसलिए मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ दोनों को। उसके बाद अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए मैं एक लाइटर कंसीलर शेड यूज कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ने आई को बोल्ड रखा है, वी वांट टू हाईलाइट दी अंडर आई, इससे बहुत अच्छा लुक आता है मेकअप का। देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस विद द हेल्प ऑफ माय कंसीलर ब्रश अगेन, दिस कंसीलर ब्रश इज सो गुड यू गाइस, एंड नाउ आई एम गोना सेट हर एंटायर फेस। इवन दो पल्लवी दी हैज नॉर्मल स्किन टाइप विच इज लाइक अ रेयर स्किन टाइप, फिर भी मैंने उनके पूरे फेस को अच्छे से सेट किया, ना ज्यादा ऑयली है उनका फेस ना ड्राई है। स्किन पे हमने काफी अच्छे से किया था, दैट रियली मैटर, यू नो अच्छे से मेकअप बैठा और सेट भी अच्छे से हो गया था मेकअप। उसके बाद एक पेंसिल ब्रश की मदद से आउटर हाफ ऑफ द लोअर लैश लाइन को मैंने स्मोक आउट किया, ये वही कलर है जो मैंने यूज किया था ना ऑन दी 1/3 ऑफ हर आईलिड। उसके बाद पैलेट में से मैंने ये कलर पिक किया सुपर मून, एंड आई अप्लाइड दैट ओवर दैट शिमर कलर जो मैंने उनके आईलिड पे अप्लाई किया था। वो वाला कलर ना इतना अच्छे से निखर के नहीं आ रहा था और वी वॉन्टेड सम मोर ब्लिंगी फैक्टर ऑन दी आईज, इसके लिए हम लोगों ने टॉप किया ये वाले कलर को उनके आईलिड पे। फिर सेम चीज मैंने लोअर लैश
लाइन पे भी अप्लाई की, वन थर्ड ऑन दी लोअर लैश लाइन मैंने वो गैलेक्सी कलर अप्लाई किया, उसके ऊपर मैंने सुपर मून कलर अप्लाई किया और मैंने सुपर मून को ना इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई किया था टू हाईलाइट दी इनर कॉर्नर्स। उसके बाद मैंने विंग आई लाइनर क्रिएट किया था यूजिंग दिस आई लाइनर पेन, दिस इज बाय काजा। ये दो के ऐसे सेट में आता है, एक आई लाइनर पेन आता है और एक विंग स्टैम्प आता है। मैंने आई लाइनर पेन का यूज किया, दिस इज मच प्रूफ वाटर प्रूफ, काफी अच्छी क्वालिटी इस आई लाइनर पेन की। उसके बाद आई डिड हर आईब्रोज, पल्लवी दी के आईब्रोज अच्छे खासे डिफाइंड है बट कहीं कहीं पे स्पार्श एरिया है, उसे मैंने फिल किया। और पल्लवी दी को बुशी फेदरी आईब्रो लुक नहीं चाहिए था तो मैंने आईब्रोज को सेट नहीं किया, सेट करने की वैसे जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद मैंने उनके आई लैशेस पे मस्कारा अप्लाई किया, कुछ दो तीन कोट मस्कारा मैंने अच्छे से अप्लाई किया था एंड देन आई यूज दिस फॉल्सीज, दिस इज बाय स्वाति। ये मैंने पर्टिकुलरली सफोरा जाके ये फॉल्सीज खरीदा था टू क्रिएट दिस आई लुक ऑन हर आई। फॉल्सीज नहीं लगाना है लगाना, इट्स अ पर्सनल चॉइस, मैंने पल्लवी दी से पूछा था, शी वॉन्टेड इट। और जब भी आप ग्लैम लुक में फॉल्सीज एड करते हो ना, पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं और आई लुक कम्प्लीट लगता है। फिर मैंने लोअर लैशेस में मस्कारा अप्लाई करने के बाद काजल अप्लाई किया, ये काजल पल्लवी दी का खुद का ही है, दिस इज बाय मैक कॉस्मेटिक्स। फिर मैंने रोजी पिंक पाउडर ब्रश अप्लाई किया उनके फेस पे, नोज पे ब्रश अप्लाई नहीं किया, शी ऑलरेडी हैज चिजल फेस, बट हल्का सा मैंने पाउडर कॉन्टर भी किया था ब्लश के नीचे उनके फोरहेड को, जॉ लाइन को, और एक छोटे से ब्रश की मदद से मैंने नोज को भी कॉन्टोर किया था। अगेन कॉन्टोरिंग रियली लुक्स गुड ऑन पिक्चर्स, काफी अच्छा दिखता है, फेस डिफाइन लगता है। कॉन्टोर करने के बाद पूरे फेस पे मैक फिक्स प्लस अप्लाई किया एंड देन आई अप्लाइड हाईलाइटर। फिक्स प्लस अप्लाई करने के बाद हाईलाइटर अप्लाई करो तो अच्छे से और निखर के आता है, और सेम हाईलाइटर मैंने उनके इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई किया जस्ट टू हैव दैट एक्स्ट्रा ब्लिंगिनेस इनर कॉर्नर पे। एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यूज किया था मैजेंटा रिदम कलर, न्यूड कलर भी अप्लाई कर सकते थे बट पल्लवी दी वॉन्टेड अ बोल्ड कलर सो वी वेंट विद अ पिंक लिपस्टिक, दैट वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग हर आउटफिट सो गुड। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट, मैंने ये HD कैमरा में फिल्म किया है एंड दिस एंटायर लुक विद द मेकअप एंड आउटफिट ये मैंने फिल्म किया अपने आईफोन से, तो थोड़ा सा क्वालिटी डिफर कर रहा होगा, आई मेकअप इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी सो ब्यूटिफुल। यू गाइज मुझे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में कि आपको ये लुक कैसा लगा, आई वॉज सो नर्वस बट दिस लुक टर्न आउट टू बी सो गुड। So pretty, so pretty. Bride is late. I'm finally ready. I'm the last one to get ready as always. So this is my look for today. मैं ना earrings इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि कान के पीछे ना मुझे यहाँ पे घाव हो गया है, so I don't want to ruin my कान. That's why I've skipped earrings. उनकी हालत तो आप देख ही सकते हो. All I need to do is carry a clutch. Where is the clutch? Oh, ये रहा clutch. फिर से देखो कितना विशाल लग रहा है सब कुछ, चलो जाके ज्वाइन करते हैं सबको। बाबा आ गए रेडी वेडी होके, स्टेज पे चले गए तुम? पूरी सह परिवार, जयसवाल परिवार जाएगा सह परिवार स्टेज पे। मैं कैसे लग रहा हूँ बाबा? बढ़िया बढ़िया, 10 मिनट में रेडी होके आए। मजाक कर, आधा घंटा गया। गाइस शुरू हो चुका है कार्यक्रम, अब इन लोग यहीं पे खड़े रहेंगे कुछ 2 घंटे तक। लो ज़ूम्ड इन शॉट, क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है यार दी। सिद्धार्थ भी अच्छे लग रहे हैं, चलो ठीक है। दीदी कैसा लग रहा है 10,000 फोटो क्लिक करा के, और ये एकदम तो परमानेंट पोजीशन बन गया आपका ये। बचपन का प्यार हमारा, बचपन का। आपको पता है मैं शादियों में ही जाके पानी पूरी खाती हूँ, ऐसे इन जनरल खाती हूँ। भैया दे दो, ग्लव्स वाली आ रही है, ग्लव्स वाली पानी पूरी। बेक मुझे भी दही पूरी, ये है एक्चुअली मेरे बचपन का प्यार, ठीक है वो भी है बट दिस इज द मेन बचपन का प्यार। निशांत इज माय असिस्टेंट, ही इज असिस्टिंग मी टू ईट ताकि मैं व्लॉग भी कर सकूं। ही इज एक्चुअली होल्डिंग द फूड, नॉट द पर्स गाइस, द फूड। यम यम, पहले आप खाएंगे बताओ। पल्लवी दी इज वॉचिंग दिस व्लॉग, हाँ अच्छे रिव्यू। वाह वाह वाह, पल्लवी दी आपकी शादी के दही पूरी फेमस, वर्ल्ड फेमस। गाइस अभी फोटो सेशन शुरू हो गया। दीदी दो ना यार व्लॉग के लिए तो दो। हाँ ये वाला, दिस इज एल्बम कवर, मस्त। दूसरा वो मेहंदी वाला, मेहंदी दिखाओ। देखो शादियों में ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन एक स्पेशल चेयर पे बैठते हैं, अंदर पूरा परिवार अलग चेयर पे।
रिसेप्शन भी हो गया दीदी, नेक्स्ट प्लान? नो लहंगा फॉर 5 years, दैट इज माय 5 year प्लान. आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? नो लहंगा फॉर 5 years. दीदी बोल दो अब तो, बेस्ट ब्राइड्समेड अवार्ड गोज टू, बेस्ट ब्राइड्समेड अवार्ड गोज टू शादी. दो बार हेड डेडिकेशन लाओ, दो लिफाफा देंगे लिफाफा.